इकबाल का एक फारसी का जबरदस्त शेर पढ़ा, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। शेर ये है कि निमी दानम की दौदी चश्म बीना मौज दरिया रा गोहर दर सीनाए दरिया खजफ बर साहिल उफ्तादस्त। ये शेर कलाम इकबाल की किताब ज़बूर अजम हिस्सा दोम की एक गज़ल से लिया गया है। शायर ने बात इतने प्यारे और मौसर अंदाज में कही है, ज़रा शेर दोबारा सुन लीजिए। निमी दौनम की दौदी चश्म बीना मौज दरिया रा गोहर दर सीनाए दरिया खजफ बर साहिल उफ्तादस्त। इसका तर्जुमा ये है कि ना जाने समंदर की लहर को ये चश्म बीना किसने अता की कि मोती तो बहर के सीने में पड़ा है और खजफ यानी रेजे ठीकरी और कंकर वगैरह के टुकड़े बहर साहिल पर गिरे पड़े हैं। इसकी तशरीह में सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम लिखते हैं कि शेर में जो इल्म की बात बयान हुई है उधर बाद में आते हैं, पहले ज़रा इस शेर की मंजर कशी की तरफ तवज्जो दीजिए और देखिए, तसव्वुर कीजिए कि एक बहरे ज़ख़ार आपके सामने है, तूफ़ान बरपा है और इतना शदीद है जैसे पानी में एक हशर बपा है, मौजों के तलातुम से चट्टानें लर्जा बरंदाम हैं और व्हील मछलियाँ और मगरमच्छ तिंकों की तरह इधर से उधर और उधर से इधर उछले पड़ते हैं। इस क़यामत खेज समय में नीसा के एक कतरे को देखिए किस तरह सदफ में मुतमईन बैठा है। बहर की सूरत यह है कि बहर की तय से कितने कंकर और खजफ रेजे उभर कर किनारे पर गिरते चले जा रहे हैं। बेचारगी का आलम है और बेबिजाती और बेमायगी भी। इकबाल इस शेर में गोहरे आबदार और खजफ रेजे में फ़र्क वाजे करना चाहता है, कहाँ मोती और कहाँ ठीकरी, लेकिन इस फ़र्क की वजाहत का अंदाज़ कितना प्यारा है। ये सब कुछ तो मौजों के तूफ़ान का करिश्मा है जिसकी वजह से समंदर में हलचल मची है, लेकिन शायर का तजाहुल आरफाना देखिए, कहता है कि ना जाने मौजों को ये चश्मे बीना कैसे मिल गई कि उन्होंने दुनिया जहाँ की बेकीमत चीज़ों को किनारे ला फेंका है और गोहर को सदफ के आगोश में बिठा दिया। ये बारीक बीनी, ये कदर शिनासी, ये जौहर को परखने की इस्तदाद, सुबहान अल्लाह, इन बज़ाहर बेरहरो बेमहार लहरों में कैसे आ गई। इकबाल ने इस शेर में तो फ़कत इशारा किया कि मोती मोती है और ठीकरी ठीकरी, लेकिन एक और शेर में साफ साफ बताया कि ऐसा क्यों है, गिरा बहा है तो हिफ्ज़े खुदी से है, वरना गोहर में आबे गोहर के सिवा कुछ और नहीं। मोती में तो खाली चमक दमक ही थी और कुछ भी ना था, वो जो गिरा बहा बना तो इसलिए कि उसमें खुदी का एहसास था, उसने इस जौहरे गिरा कदर की हिफाजत की तो ये मुकाम हासिल किया। यही हाल इंसान का है, कुदरत ने हर इंसान में मुख्तलिफ तरह की इस्तेदाद वदियत की हैं। जो इंसान इन फितरी अतियों की कदर करता है, उनकी हिफाजत करता है और फिर उनको बरूए कार लाता है, वो मोती बनता है, वरना खजफ रेजों की तरह किनारों पर जा गिरता है।